हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमर और आज हम देखने वाले हैं रुस्तम जी डेवलपर का ग्लोबल सिटी विरार में प्रोजेक्ट, जिसका नाम है रुस्तम जी एवेन्यू L1, L2, L3। तो दोस्तों आइए देखते हैं ये प्रोजेक्ट। इसकी टाउनशिप में मैं आज हूँ और हम पूरा प्रोजेक्ट कवर करने वाले हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसकी 1 BHK का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसकी कॉस्टिंग कितनी है, कब इसका पोजीशन मिलेगा और कब इसकी शुरुआत हुई थी, इन्वेस्टमेंट के लिए ये कितना ऑप्शन अच्छा है और अगर आप रेसिडेंशियल प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो तो भी ये ऑप्शन कितना आपके लिए बेटर रहेगा। तो दोस्तों देखते हैं ये प्रोजेक्ट। आइए मैं दिखाता हूँ आपको इसका सैंपल फ्लैट। ये सैंपल फ्लैट में इसका एंटर कर रहा हूँ। सैंपल फ्लैट आप पूरा देखते रहिएगा, तब तक मैं इसका डिस्क्रिप्शन और इसकी पार इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको धीरे धीरे बताते रहूँगा। तो सैंपल फ्लैट के हम लिविंग रूम में है अभी। मैं आपको बता दूँ इसमें 1 BHK के ऑप्शंस हैं और 431 स्क्वायर फीट का इसका ओवरऑल एरिया है, जिसमें 384 का रेरा कारपेट है और एडिशनल 41 स्क्वायर फीट की हमको इसमें बैल्कनी मिल जाती है। ये 1 BHK स्पेशियस हाउसिंग है। तो बात करते हैं रुस्तम जी डेवलपर के बारे में। ये रुस्तम जी डेवलपर वन ऑफ द मोस्ट रिनोन डेवलपर्स इन द इंडस्ट्री है। इन्होंने अब तक, आज तक अगर मुंबई में बात करें या डेवलपमेंट की बात करें, तो 16 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया डेवलप करके दिया है। टोटल 230 बिल्डिंग्स का सक्सेसफुल पोजीशन दिया है और अब तक 12,300 फैमिलीज ने इनके पास में हैप्पीली होम्स खरीदे। और दोस्तों अगर विरार स्टेशन से देखेंगे तो 1.9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे टाउनशिप है। शेयरिंग ऑटो और महानगर पालिका का बस आपको फैसिलिटी वहां पे मिल जाता है। ये टोटल ग्राउंड प्लस 14 स्टोरी की टाउनशिप है और इसका जो लैंड बैंक है वो दोस्तों 5 एकर्स का है, जिसमें आपको 7 टावर्स बनेंगे। 350 से लेके 400 फ्लैट्स की ये टाउनशिप है। 298 का पेमेंट स्कीम है, जिसमें 2% डाउन पेमेंट आपको करना है और 98% आपका लोन हो जाएगा। बजाज फाइनेंस का ये स्कीम है। अगर आपके हाथ में हार्डली 3.5 से 4 लाख रुपए है और आपकी लोन की एलिजिबिलिटी है तो ये घर दोस्तों आपका। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं इसका एक्सटर्नल एमिनिटीज। ये मैं आया हूं इसकी पार्किंग में। ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी की इसकी पार्किंग है, पोडियम पार्किंग है, जिसमें आपको हर एक फ्लैट के लिए कार पार्किंग और बाइक पार्किंग के लिए एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस दिया गया है। अब हम एंटर करने वाले हैं इसके एक्सटर्नल एमिनिटीज में, किड्स प्ले एरिया में और बाकी के एमिनिटीज में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो ये देखिए, ये इसका है किड्स प्ले एरिया, बहुत ही लैविश किड्स प्ले एरिया है। टोटल एक्सटर्नल एमिनिटीज अगर 5 टावर्स के लिए, 7 टावर्स के लिए देखेंगे तो 1.5 लाख स्क्वायर फीट का आपको ओपन स्पेस मिल जाता है। अप्रोक्सीमेटली इस ओपन स्पेस में देखेंगे तो 50 से ज्यादा किड्स आराम से इसमें खेल सकते हैं। फुटबॉल कोर्ट है कॉम्प्लेक्स में, क्रिकेट का पिच है, मल्टीपर्पज कोर्ट है, योगा कोर्ट है। ये देखिए इसका ओपन कोर्ट, जहाँ पे आप मल्टीपर्पज एमिनिटीज का फायदा उठा सकते हो, एक्टिविटीज कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा 400 फैमिलीज के लिए ये पूरा का पूरा एडिशनल एरिया दिया गया है। तो इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव देखेंगे तो दोस्तों पिछले 10 सालों में विरार के रुस्तम जी प्रोजेक्ट ने अप्रोक्सीमेटली 300% के रिटर्न्स दिए हैं। प्रॉपर्टी की स्टार्ट, जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2009 में, तो यहाँ पे 10 से 11 लाख में 1 BHK मिलता था। तो अगर हम 10 ईयर्स का वेटिंग होराइजन देखेंगे तो ये प्रॉपर्टी अच्छा खासा रिटर्न आने वाले 10 सालों में अगर आपको देगी, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो। लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए है, साइट विजिट करनी है, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस पर मुझे कॉल कीजिएगा। इस प्रोजेक्ट का और एक खास बात मैं आपको बता दूं, इसकी जो टाउनशिप है ये 200 एकड़ का लैंड बैंक है। ओवरऑल विरार स्टेशन से एवरशाइन डेवलपर्स के साथ में रुस्तम जी ने पहले टाई अप किया था और उन्होंने बहुत सारा डेवलपमेंट ग्लोबल सिटी में करके दिया था। याजू पार्क वहीं पर है, एडेड एमिनिटीज सारी की सारी वहीं पे है। आपको मॉल देखेंगे तो हार्डली एक 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। सिद्धिविनायक टेम्पल 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। ग्रोसरी स्टोर्स 2 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। ऑटो रिक्शा स्टैंड आपको वहीं पे मिल जाता है कॉम्प्लेक्स के एंड में।
दोस्तों मैं अभी दिखाने वाला हूं आपको क्लब वन, जो विरार का सबसे बड़ा क्लब है। ये टाउनशिप का सबसे बड़ा क्लब है और बॉम्बे के टॉप 5 क्लब में से एक क्लब माना जाता है। 2.35 लाख स्क्वायर फीट में बना ये क्लब, 200 एकर्स की टाउनशिप में मिडिल में बना हुआ है और इस क्लब के एग्जैक्टली बाहर में हूँ। यू नेम इट एंड द क्लब हैज हिट। किड्स से लेके सीनियर सिटीजन्स तक सारी की सारी एमिनिटीज इस क्लब हाउस में है। और अगर कॉम्प्लेक्स में आप कोई भी बिल्डर के पास से फ्लैट लेते हो तो ये क्लब की मेंबरशिप आपको उसमें मिल जाती है या एडिशनल मेंबरशिप आपको इसमें लेनी पड़ती है। तो देखते हैं ये क्लब पूरी तरह से, मैं आपको दिखाता हूं। और इस क्लब का यह है एरियल व्यू, बहुत ही अमेजिंग। याजू पार्क क्लब के साइड में है, 2.35 लाख स्क्वायर फीट में यह क्लब पूरा का पूरा बसा है। क्लब वन इसका नाम है। जिम्नेशियम, उसके बाद में ब्लू बार, फूड जंक्शन, कैफे, ये बाहर कॉम्प्लेक्स के एंटर करते ही सिद्धिविनायक टेम्पल, बैंकवेट हॉल क्लब में है, गेस्ट रूम्स इस क्लब में है, ग्लोबल सिटी का ये क्लब, याजू पार्क से कनेक्टेड, ये है इसके अंदर का बार, कैफे एरिया, स्नूकर पूल, जैसे मैंने कहा यू नेम इट एंड यू हैव इट इन द क्लब। एक ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल इसमें है, स्टेट ऑफ द आर्ट एमिनिटीज, इवनिंग कैसे स्पेंड करनी है ये क्लब में आप आराम से कर सकते हो दोस्तों।